होते ही सरकार की कृपा स्वीकार कर लें, तब उनके इस कदम की समीक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक मर्यादा भी नहीं कहती है कि जज इस तरह की कृपा स्वीकार करें, मगर जज स्वीकार करते रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए फैसला देने वाले जजों का कोई अलग व्यवहार हो यह जरूरी तो नहीं, मगर इतनी तो सावधानी होनी चाहिए कि उनके किसी कदम से उनके पूर्व के किए फैसले पर आंच ना आए, उस फैसले की लोक समीक्षा होने लग जाए और वो संदेहों से भर जाए। उनके फैसलों की समीक्षा में नए नए संदेह, नए नए सवाल विपक्ष की तरफ से अरुण जेटली के बयान के सहारे जोड़े जा रहे हैं कि क्या इस फैसले की वजह से तीन तीन जज को रिटायर होने के बाद अलग अलग तरह के पद मिले हैं। सरकार की कृपा स्वीकार कर इन जजों ने राम की मर्यादा का अपमान किया है या सम्मान, इसकी समझ आप सभी में मुझसे बेहतर है। राम की मर्यादा तो यही कहती है कि इंसाफ ऐसा हो कि कोई संदेह ना कर सके। पहले भी जज रिटायरमेंट के बाद पद स्वीकार करते रहे हैं और इस वजह से उन्हें संदेह से देखा भी गया है, मगर जिन जजों ने राम मंदिर से संबंधित फैसले दिए हैं उनसे उम्मीद थी कि वे नई मर्यादा गढ़ते और सरकार की कृपा को ठुकरा देते, यह कहते हुए कि उनके फैसले पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। राम की मर्यादा तो यही कहती है कि श्रेष्ठ इंसाफ वही है जो हर प्रकार के संदेहों और विवादों से ऊपर हो, बचा हुआ हो। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल और हम बात कर रहे हैं एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाना, रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना क्या राम की मर्यादा के अनुकूल है, क्या संविधान की मर्यादा के अनुकूल है। एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। अब्दुल नजीर भारत के इतिहास में तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों से संबंधित रहे हैं। एक जज के जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, मगर हम यहां अब्दुल नजीर के जज के रूप में हाल के दो फैसलों का विशेष रूप से जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी यही उठाया गया है। नवंबर 2019 के अयोध्या केस में फैसला देने वाले 5 जजों की पीठ में से एक जज रहे एस अब्दुल नजीर, और इसी 2 जनवरी को नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले में 4 जजों में से एक जज रहे। नोटबंदी के फैसले में केवल जस्टिस नागरत्ना ने असहमति का नोट दर्ज कराया था। अब्दुल नजीर ने भी ट्रिपल तलाक के फैसले में असहमति का नोट दर्ज किया था। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। अयोध्या फैसले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन्हें रिटायरमेंट के 4 महीने के भीतर राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई मनोनीत रूप से। जस्टिस अशोक भूषण थे जिन्हें 2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया। जस्टिस भूषण 4 जुलाई 2021 को रिटायर होते हैं, 8 नवंबर को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह मर्यादा के अनुसार है? क्या आप अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का फैसला देने वाले जजों को सरकार से उपकार लेने पर राम की मर्यादा के अनुकूल समझते हैं? क्या आप इसे संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल समझते हैं? जो फैसला ऐतिहासिक माना जाता है उसमें जजमेंट लिखने वाले जज ने अपना नाम नहीं लिखा, इस पर बहस किसी ठोस नतीजे पर आज तक नहीं पहुंची है, बल्कि ठीक से बहस भी नहीं हुई। अटकलें लगती रहीं कि लेखन शैली किस जज की रही होगी। यह फैसला जब गर्व का फैसला है तब नाम हो सकता था, मगर किसी को क्यों नहीं खटका? शायद सभी ने इसे अच्छा माना, लेकिन जिस फैसले से भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही नजर आएगा, उस फैसले को देने वाला अपना नाम तक ना लिखे अपने हिस्से के सामने, यह बात खटक सकती है। और रिटायर होने के बाद सरकारी पद स्वीकार कर लें जो दूर से ही बल्कि हर रोज दिखाई और सुनाई देता हो, क्या यह बात नहीं खटक सकती है? यह सवाल रंजन गोगोई के सामने भी उठा कि राम मंदिर का फैसला लिखने वाले जज का नाम क्यों नहीं है। तब उन्होंने कहा कि उनके पास 2015 से 16 के बीच 32 ऐसे फैसलों की सूची है जिनमें निर्णय लेने लिखने वाले जज के नाम तक नहीं है। तब तो कोई सवाल नहीं उठा। 13 मई 2020 को रंजन गोगोई एक सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 13 ऐसे फैसले लिखे हैं जिसमें लेखक जज का नाम नहीं है, तो इसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि किसी फैसले में फैसला लिखने वाले जज का नाम होना जरूरी क्यों है? इस सवाल पर अलग से बहस हो सकती है, मगर यह भी तो सही है कि अगर 32 फैसलों में लेखक जजों के नाम नहीं थे
तो उसके सामने कई हजार लाखों फैसलों में लेखक जज के नाम होते रहे हैं। क्या उसका महत्व किसी से कम है? क्या वह स्वीकृत परंपरा नहीं है? आप देख सकते हैं कि आम तौर पर इस तरह लेखक जज अपना नाम जजमेंट शुरू होने से पहले लिखते हैं। जब सुनवाई के समय ही पता होता है कि जज कौन है, तो फैसले के बाद किसने जजमेंट को लिखा है यह जानकारी ना हो या क्यों तार्किक रूप से सही है। इस तरह से नाम का दिया जाना भी तो तार्किक रूप से स्वीकार किया गया है। तो क्या रंजन गोगोई का जवाब पर्याप्त रहा? कानून के जानकार इस पर समाज को और जानकारी दे सकते हैं। रंजन गोगोई ने कहा कि 5 जज ही लेखक हैं, फैसला लिखने वाले हैं। क्या आप ऐसे सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते कि 5 जजों का निष्कर्ष एक है और जहां वे अपना श्रेय नहीं लेना चाहते, क्रेडिट नहीं लेना चाहते? ये रंजन गोगोई के शब्द हैं जो बार एंड बेंच ने छापे हैं। या हमारा सवाल है कि क्या जज श्रेय लेने के लिए अन्य फैसलों में लेखक के तौर पर अपना नाम दर्ज कराते हैं? मई 2020 के सेमिनार में रंजन गोगोई जितनी सफाई देते हैं उतने ही सवाल पैदा कर देते हैं। वे कहते हैं कि क्या यह आत्मत्याग नहीं है, सेल्फ सेक्रीफाइस? अगर बात आत्मत्याग की है तो फिर रिटायर होते ही राज्यसभा की सदस्यता क्यों ली गई? राज्यपाल का पद क्यों लिया गया? ट्रिब्यूनल का पद क्यों स्वीकार किया गया? हमारा सवाल है कि क्या रिटायर होने वाले इन जजों को बाद में पद लेना चाहिए था, और वो भी इतनी जल्दी? बीजेपी के ही 2 बड़े नेता इसे गलत बताते रहे हैं। नितिन गडकरी तो आज भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। दिवंगत अरुण जेटली भी वित्त मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। उनका एक भाषण चारों तरफ घूम रहा है। उनके बयान को कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और फिर अपनी बात रखी। द डिजायर ऑफ अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. इस हिस्से को सिंघवी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। जेटली उस समय नेता प्रतिपक्ष थे और राज्यसभा में कह रहे थे, उसका सार यही है कि खास तौर पर 1991 के बाद से लीगल प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद हो गई है, इसलिए हमारे बेहतरीन लोग जज नहीं बनना चाहते हैं। हम रिटायरमेंट के बाद जजों के लिए अवसर बनाने के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम नहीं करते तो जज खुद ही ऐसा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया, जिसके तहत सीआईसी के हर सदस्य का रिटायर्ड जज होना अनिवार्य किया गया था। मगर कॉलेज की फीस एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक आदेश के तहत कह दिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस रिटायर्ड जज तय करेंगे, और इस तरह हर राज्य में 2 और नौकरियों का सृजन किया। मुझे लगता है कि लटियंस के एक बंगले में रहने की यह लालसा काफी गंभीर है। अरुण जेटली का ही बयान है कि रिटायरमेंट के बाद बंगला और पद पाने की लालसा का असर रिटायर होने के फैसले पर पड़ता है, यह न्यायपालिका के लिए खतरा है। जेटली 2013 में यह बात कह रहे हैं, जिसके 1 साल बाद मोदी सरकार आती है। क्या मोदी सरकार ने इस खतरे को दूर करने के लिए कुछ भी किया? क्या जजों ने नई मर्यादा कायम करने की कोशिश की? क्या जेटली की बातों को दोहराते हुए हम कह सकते हैं कि मोदी राज में जो जज रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण कर रहे हैं, उनकी इस लालसा या लालच का रिटायरमेंट के पहले के फैसलों पर असर पड़ा होगा? अगर यह बात सही है तो मेरा सवाल भी सही है कि क्या राम की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? अरुण जेटली के बयान के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता को लेकर रंजन गोगोई राज्यपाल के पद को स्वीकार कर अब्दुल नजीर और ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर अशोक भूषण ने क्या संदेह पैदा करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की साइट पर राज्यसभा में रंजन गोगोई की उपस्थिति का रिकॉर्ड देख रहा था। 19 मार्च 2020 से उनकी सदस्यता शुरू होती है। 6 फरवरी 2023 तक उनकी उपस्थिति केवल 29% है। इसके मुकाबले सभी सदस्यों का राष्ट्रीय औसत 79% है, जो कि काफी अधिक मालूम पड़ती है। रंजन गोगोई ने आज तक कोई सवाल नहीं पूछा है। सवाल वाले कॉलम के आगे 0 लिखा है, डिबेट वाले कॉलम के आगे नॉट अवेलेबल लिखा है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर नहीं आए। यह सब जानकारी PRS की साइट पर है, आप देख सकते हैं। रंजन गोगोई ने अपनी जीवनी लिखी है, जिसमें रिटायरमेंट के 4 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता लेने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जब पेशकश की गई
तब कोई हिचक नहीं हुई। वे पूर्वोत्तर और न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को उठाना चाहते थे, मगर उन्होंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछे। पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने उनसे अदानी पूर्व एनडीटीवी के लिए एक सवाल पूछा कि आपकी उपस्थिति इतनी कम है, तो उन्होंने कहा कोरोना की महामारी के कारण ऐसा हो गया, कोविड के कारण वे सदन नहीं आ रहे थे। रंजन गोगोई ने कहा कि वे नामित सदस्य हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं। केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सतशिवम को लेकर भी सवाल उठे थे जब उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया। जस्टिस सतशिवम ने अमित शाह के खिलाफ एक एफआईआर रद्द कर दी थी। अप्रैल 2013 में तुलसीराम प्रजापति के केस में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे जस्टिस सतशिवम ने रद्द कर दिया। 3 सितंबर 2014 को द हिंदू के जे वेंकटेशन से उन्होंने कहा कि उस समय यानी 2013 में किसी को पता नहीं था कि अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे और हमने अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दिया था। उन्हें इस बात का दुख था कि पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट से 4 ऐसे जज रिटायर हुए हैं जो बाद में राज्यपाल बनाए गए। द वायर की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि नेहरू सरकार ने जस्टिस एस फजल अली, देवेगौड़ा सरकार ने जस्टिस फातिमा बीवी और मोदी सरकार ने पूर्व न्यायाधीश पी सतशिवम को राज्यपाल बनाया। अब अब्दुल एस नजीर का नाम भी जुड़ने जा रहा है। 2013 में अरुण जेटली ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जब कोई जज पद स्वीकार करता है तो उसके पहले के फैसलों को लेकर संदेह होता है। 9 सितंबर 2013 को पीयूष गोयल ने जेटली के राज्यसभा बयान का एक हिस्सा कोट करते हुए ट्वीट भी किया था, जिसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद पद मिलने की लालसा रिटायरमेंट के पहले के फैसले पर असर डालती है। तो अयोध्या मामले के 3-3 जजों का पद स्वीकार करना अरुण जेटली के हिसाब से, पीयूष गोयल के हिसाब से कैसे देखा जाए? क्या पीयूष गोयल अब अरुण जेटली के बयान को फिर से ट्वीट करना चाहेंगे? कर भी सकते हैं? तो ये मैंने जैसा कहा कि आपकी कथनी आपकी जुबानी, देखिए ये कोई इसका उत्तर नहीं कि पहले भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि अब काफी समय से और विशेष रूप से जिस निरंतरता से जितनी जल्दी से आजकल हो रहा है, एक सिद्धांतिक रूप से ये गलत है, ये न होना चाहिए और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं। सिद्धांत पे मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूं, तो सैद्धांतिक रूप से निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं। और ये आपने कहा था, बार बार कहा था, सदन में कहा था, सदन के बाहर कहा था, तो उसका पालन करने के लिए अब आपका ये उत्तर नहीं हो सकता कि पहले भी हुआ था। अभी हमने हाल में और इसके उदाहरण देखे और ये अब जैसे कोई परंपरा बनाई जा रही है। यही नहीं, 2012 में नितिन गडकरी का बयान कई जगहों पर छपा है जिसमें वे सलाह दे रहे हैं कि जजों के रिटायर होने के 2 साल बाद पद दिए जाने चाहिए, नहीं तो सरकारें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अदालतों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती हैं। मगर यहां तो अयोध्या मसले का जजमेंट लिखने वाले जजों को रिटायर होने के कुछ ही महीनों के भीतर पद दे दिए गए। क्या अब नितिन गडकरी इस पर बोलना चाहेंगे? बोल भी सकते हैं। क्या गोदी मीडिया यह सवाल पूछेगा? पूछ भी सकता है। जस्टिस एके गोयल जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए, उसी दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बना दिए गए। ट्रिब्यून अखबार में छपा है कि उसी दिन उनके बेटे निखिल गोयल को हरियाणा में अतिरिक्त महाधिवक्ता का पदभार दे दिया गया। इस इत्तेफाक का क्या जवाब है? किसी के पास है भी या नहीं? इस बयान में गडकरी ने यह भी कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए तो पहले से तय होता है कि किसे कौन से आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजना, जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया जाना, जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलएटी का अध्यक्ष बनाया जाना, क्या गडकरी जी के मुताबिक पहले से तय था? क्या गडकरी जी अब मीडिया के सामने आकर बोल सकते हैं कि पहले से तय था या नहीं, या ऐसा होना अब सामान्य है, या यह सब अच्छी लगने वाली बातें विपक्ष में रहकर बोली जाती हैं, बोलने के लिए बोली जाती हैं, तुकबंदी के लिए बोली जाती हैं? सत्ता में आते ही वही सब किया जाता है जो होता रहा है और किया जाता रहा है।
तब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि जेटली को पता होना चाहिए कि कुछ आयोग ऐसे होते हैं जिसके लिए सेवारत या सेवानिवृत्त जज ही योग्य होते हैं, मगर राज्यपाल का पद तो स्वायत्त पद नहीं होता। हम सब जानते हैं कि वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, उसके ही एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, भले ही सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन राज्यपाल होता तो केंद्र का ही एजेंट है, अब तो राजनीतिक कार्य भी करने लगा है। हम नहीं कहते कि इन पदों को स्वीकार कर लेने भर से इनके फैसले संदिग्ध हो जाते हैं। बीजेपी के ही नेता कहते रहे हैं कि इन पदों को स्वीकार कर लेने भर से इनके फैसले संदिग्ध हो जाते हैं, मगर बीजेपी के नेता अब क्या कहते हैं जब रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को पद दे दिए जाते हैं। एक विवाद और चल रहा है। 7 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई। इनमें लक्ष्मण, चंद्रा, विक्टोरिया, गौरी भी शामिल थीं। जस्टिस गौरी पहले मदुरई बेंच में बतौर सहायक सोलिसिटर जनरल पेश हो चुकी हैं। इन पर कथित रूप से आरोप लगाया गया कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरती बयान देती रही हैं। जिस वक्त उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिका सुन रहा था। जब तक शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर चुका था। हालांकि जस्टिस गौरी के समर्थन में भी बड़ी संख्या में वकीलों ने पत्र लिखा कि बतौर एक महिला वकील उन्होंने बहुत मेहनत की है। कई जगहों पर छपा है कि गौरी भाजपा की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि जस्टिस गौरी ने जवाब में कहा था कि सितंबर 2020 में मदुरई में सहायक सॉलिसिटर जनरल का पदभार संभालने से 3 महीने पहले उन्होंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। अमर उजाला में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान छपा है। अखबार लिखता है कि कानून मंत्री ने समर्थन किया है कि राजनीतिक दलों से जुड़े वकील जज बन सकते हैं। पहले भी संसद के मौजूदा सदस्यों को जज बनाया जा चुका है। जस्टिस के एस हेगड़े और जस्टिस बहारुल इस्लाम